कार्य अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये बात कही थी कि 24 तारीख तक हम लोग महागठबंधन का जो स्वरूप है, कौन कौन सीट, कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी हम लोग घोषणा कर देंगे। और पार्टी के तरफ से पूरा प्रयास है कि कल इसकी घोषणा हो जाए, और इस दिशा में बातचीत भी चल रही है, औपचारिक रूप से भेंट मुलाकात भी हो रही है, टेलीफोनिक भी बातचीत हो रही है, तो हमको पूरा विश्वास है कि कल हम लोग इसकी घोषणा कर पाएंगे। लोकसभा की सीटें 14 हैं और तमाम दल जो गठबंधन में आए हैं उनको ये भी मालूम है कि इसी में सारे लोगों को एकोमोडेट भी करना है। तमाम तरह के फैक्टर्स होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग है, विनेबिलिटी है, इन तमाम पहलुओं पर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद कांग्रेस ने तो आगे बढ़ करके, चार कदम आगे बढ़ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं ऑफर किया कि गठबंधन इंटैक्ट रहे, वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए अगर हमको जमशेदपुर की सीट भी छोड़नी पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि गठबंधन के तमाम साथियों को ऐसी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गठबंधन तय किया गया, उसके बाद हेमंत जी को ये दायित्व दिया गया था, वो उन्होंने बात किया होगा, लेकिन जो बातें छन करके बाजार में आ रही हैं, जिस प्रकार से उनको कहा गया था कि आप माले को भी बात कीजिए कि कोडरमा में वो अपना उम्मीदवार न उतारें, लेकिन उनके आगमन के बाद ठीक दूसरे तीसरे दिन माले ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। तो अब ये वाम दलों को तय करना है कि वो गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, उनका अपना विषय है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर बन करके अगर आप किसी गठबंधन करने को आप वहां बैठते हैं तो अपने दल के अंदर का कोई विषय है, कोई दबाव है, तो इस पर निर्णय लेने के लिए हेमंत सोरेन जी स्वयं स्वतंत्र हैं। उन्होंने इस सारे विषय को देखते हुए ही गठबंधन को सील किया होगा।